मैडम जी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। आ मुझे जाने दो, वरना वो मुझे मार डालेंगे। तुम डरो मत, पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर मारना कौन चाहता है? वो लड़की वाले। लड़की वाले? पर लड़की वाले तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? मैडम जी, मेरे बाप ने मेरी शादी में 5 लाख रुपए दहेज मांग लिए। उन्होंने कहा अगर तुमने 5 लाख रुपए दहेज में नहीं दिए तो हम बारात वापस ले जाएंगे। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही लड़की वालों ने मेरे बाप और बारातियों को मारना शुरू कर दिया। मैं मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ मैडम जी, मुझे आप जाने दो। ये सब ना तुम लोगों की गलती है। अरे जिस बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया उसके सामने दहेज के क्या मायने? मगर मैडम जी, मैं खुद तो दहेज के खिलाफ हूँ। ये तो मेरा बाप ही है जो दहेज मांगता है। वो मुझे बेचना चाहता है, बेचना मेरी शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ पैसों से मतलब रखता है। वो देखो मैडम जी, वो आ रहे, मुझे बचा लो मैडम जी, मुझे बचा लो। बहन जी, आप साइड में हो जाइए, आज इसे हम जान से मार डालेंगे। पहले आप मेरी बात सुनिए, आप इसके बाप की सजा इस बेचारे को क्यों दे रहे हैं? ये तो खुद दहेज के खिलाफ है। जब इसका बाप ने हेरा कट्टे में 5 लाख रुपए मांगे थे, जब इसकी जबान कित गई थी, ये बताओ। आप लोगों ने बोलने का मुझे मौका ही कहाँ दिया था, आपने तो डंडा परेड शुरू कर दी। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए दहेज, नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ शादी करनी है। और तेरा बाप? मैं मेरे बाप को आज और अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसी दहेज लोभी बाप के साथ मैं और दिन नहीं रह सकता। चल भाग जा यहाँ से, हमने छोड़ दिया तुझे, नहीं करना हमने अपनी बहन का रिश्ता तेरे साथ। दफा हो जा यहाँ से। रुकिए, मैं करूंगी आपसे शादी। ये घर किसका है जी? ये मेरे मामा जी का घर है, अब हम यहीं रहेंगे। रुको, मैं उनको बुला लेता हूँ। मामा जी, जरा बाहर आओ तो, देखो आपकी बहुरानी आई है। आप लोग यहाँ? जी हाँ, ये लोग यहाँ, क्योंकि ये तो है मेरे पूज्य पिताजी और ये है मेरे चाचा जी। इसका मतलब वो सब ड्रामा था? जी हाँ, वो सब ड्रामा था आपसे शादी करने के लिए। प्रिय दर्शकों, हमने यह जो शादी ब्याह की वीडियो बनाई है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी वजह से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षाप्रद मनोरंजन ही है। धन्यवाद।